हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूसुफ फैशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि थ्री डॉट ब्लाउज किस तरह से कट करते हैं, जिसका शोल्डर हमेशा लोगों को कुछ शिकायत होता है कि यहाँ पर लूज आता है या फिर इधर को नीचे की ओर को स्लिप होता है। तो किस तरह से हम कटिंग करें जो हमारा कप साइज है वो बहुत अच्छा है और फिटिंग ज़बरदस्त है, तो हम आज बताएंगे और सिखाएंगे आपको कि इस तरह से आप ये ब्लाउज कट करें। यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त आपकी कटिंग और फिटिंग आने वाली है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे, एक निशान इस तरह से पूरे लगा लेंगे हम। उसके बाद में हमारा लंबाई कितना है, 15 इंच है, तो एक निशान 15 इंच पे दे देंगे और चेस्ट लाइन के लिए जो आर्महोल की लाइन है वहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब हमें इस निशान को हमें सीधा कर लेना है इस तरह से, और इसको भी हम सीधा कर लेंगे और इसके नीचे हमें 5 इंच का मार्जिन दे देंगे सिलाई के लिए। अब हमारा जो शोल्डर है 15 इंच, हम 15 इंच को 7.5 में एक निशान दे देंगे। हमारा जो नेक, जो हमारा नेक डीप होता है उसके अकॉर्डिंग शोल्डर को कम किया जाता है। मेरा जो नेक डीप है वो 9.5 है, तो मैं यहाँ से 2.5 इंच इसको कम करेंगे, शोल्डर से इधर को 2.5 इंच कम करेंगे। आप अगर इस तरह से कम कर दें तो यकीन मानो कभी भी आपका शोल्डर स्लिप नहीं आएगा और ना ही ऊपर की तरफ को जो लूज आता है वो लूज नहीं आएगा। तो इस तरह से ये मेरा 2.5 इंच इसमें मैंने माइनस किया, तो यहाँ 10 इंच बचा शोल्डर, 10 इंच बचा। अब हमारा जो फिनिश शोल्डर है, जो कंधी जो कंप्लीट जो रहना है वो 2 इंच रहना है, तो 2 इंच पे एक मार्क दे देंगे। उसके बाद हम इस निशान को सीधा एक निशान दे देंगे इस तरह से, ये सीधा दे देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा चेस्ट है वो 36 इंच है, तो उसका चौथाई भाग लगाएंगे, तो मेरा ये 9 इंच आ गया, मैं इस पर एक मार्क दे दूंगा। इसी तरह से जो हमारा वेस्ट है वो 30 इंच है, तो हम 7.5 में एक निशान दे देंगे। उसके बाद में यहाँ बैक में एक डार्ट देना है, तो डार्ट के लिए हम यहाँ पे 0.75 इंच यानी 4 इंच का एक निशान दे देंगे। अब हमें इस निशान से और इस निशान तक हमें सीधा निशान लगा लेना है। देखिए इधर मार्जिन के लिए भी एक निशान दे देंगे, ये दोनों निशान हो गए। अब हमारा जो नेक डीप है वो 9.5 है, वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, और ये इस तरह से। यहाँ पे पौने 3 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे सवा 3 इंच रखेंगे, यानी 1/2 इंच नीचे की तरफ वाइड रखेंगे नेक को। ये अब यहाँ का शेप आप कप की मदद से भी दे सकते हैं और हाथ से भी दे सकते हैं। अगर इस तरह का राउंड रखना है तो हाथ से दे, स्केल से दे दो, वरना मैं तो हाथ से ही देता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा शेप आता है इस तरह से। अब हमें हमारा जो आर्म होल 16 इंच था उसका, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 17 होगा, तो इस तरह से हमें 17 इंच पे भी एक निशान लगाना होता है। क्या करेंगे, अब ये स्केल की मदद से इस तरह से स्केल को हम कर्व को इस तरह से बिठा लेंगे, उसके बाद में निशान लगा देंगे। ये देखेंगे 8.5 आ रहा है, यानी एक सूट ज़्यादा है, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। अब ये देखिए इस तरह से आपकी पूरा 8.5 आ गया। ये अब यहाँ बैक की टक डालना है, तो बैक की टक डालने के लिए हमें इसको हाफ निकाल लेना है, इसका जो भाग है इसका हाफ निकाल लेना है,
और यहाँ से जो डॉट डालेंगे मैं इसकी फोर एंड हाफ में डालूंगा। इसका हाफ निकाल लिया, इसके बाद में इसको यहाँ से सीधा कर देंगे। अब हमें ये देखना है, ये जो हमने पौन इंच का जो मार्जिन दिया था तो हमें यहाँ पे ये जो डॉट है इसके अंदर एडजस्ट करना है। तो ये मेरा पौन इंच का मार्जिन है के अंदर हम इसको मिला देंगे, इस तरह से पूरा एडजस्ट कर लेंगे। अभी हमें क्या है, सीधा तो हमेशा सब लोग काटते हैं लेकिन सीधा नहीं काटना है, इसको यहाँ एल स्क्वायर इसकी आर्म कर्व की मदद से एक शेप देना है, ये अच्छा सा शेप देना है। यहाँ भी देना है और यहाँ भी देना है, एक शेप देना है। अब हमें यहाँ तो मार्जिंग हो गया, इधर भी हो गया, देन यहाँ पे एक पैर का यानी जितना सिलाई लेते हैं एक चाप का उतना हमें मार्जिंग देके कट करना होगा, और यहाँ पे सिर्फ एक पैर का जितना हमें सिलाई के लिए लेना होता है। तो अब हम इसको कट करेंगे, कट करने के लिए ऊपर इधर निशान पे और यहाँ पे जितना मार्जिन हमें सिलाई के लिए लेना है आर्म होल में उतना हम मार्जिन देते हुए इसको कट कर लेंगे इस तरह से। इसको हम शेप में कट कर लेंगे, ये कट हो गया। इसी तरह हम इसका बैक भी कट कर लेंगे, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। इस तरह से इसको भी कट कर लेंगे, यहाँ पे नोचिस लगा देंगे, कुटका मार लेंगे सिलाई के लिए। इसी तरह इसका यहाँ नीचे के भाग में भी कुटका लगा देंगे और यहाँ भी। अब इस टक को हम बैठा के दिखाएंगे आपको, इस तरह से देखना ये बैक में टक आ जाएगी। और ये जो शेप आया है ना, थोड़ा निकल रहा था इसको काट दिया। अभी ये जो शेप है ना, ये बैक बहुत अच्छी फिटिंग आने वाली है बैक में, कभी भी हमारी बैक इस तरह से अगर करेंगे तो लूज नहीं होएगी, लूज नहीं होएगी। और इस तरह से करेंगे तो ये बैक लूज नहीं होगी, इस तरह से ये डॉट डालेंगे हम। ये हमारी बैक कट गई है, इस तरह से हम डॉट डालेंगे और ये शेप में कट करेंगे तो बहुत अच्छी आने वाली है। यहाँ पे हमें मार्जिन दे के कट करना होता है इधर, और यहाँ ऑलरेडी दे रखा है तो आप कटिंग करेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा। इसीलिए और ड्रेसिंग व्हील की मदद से इसमें पूरा हम इस तरह से निशान फाड़ लेंगे।